देखिए अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ, क्रेजी राइडर्स के नाम से इनका ब्लॉग है। ये बहुत अच्छी तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं, बट रॉन्ग साइड से एक बाइक आता है और वो टकरा जाता है उनसे। हर वक्त राइडर्स ही गलत नहीं होते हैं, गाड़ी चला रहा है और रॉन्ग साइड से क्रॉस कर रहा है, तो अभी इसमें किसकी गलती मानी जाएगी? राइडर्स की ना, लेकिन इनकी तो गलती नहीं है। ये देखिए इनका नाम है यंग राइडर। इनके अंदर राइडिंग करने का इतना क्रेज है कि अब इन्हें यंग राइडर बोला जाए या क्रेजी राइडर बोला जाए। अब ये दो बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं उनके उसके बीच से ये अपना बाइक घुसाकर राइडिंग कर रहे हैं। इतना अगल बगल स्पेस है भाई, थोड़ा साइड से निकल ले और सेफ रह और गाड़ी चला जिससे तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। मैंने बहुत सारे राइडर्स को देखा है, वो इतनी स्पीड में गाड़ी चलाते हैं कि अपने साथ दूसरों की जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। लेकिन ये एक मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ, इनका नाम है लेकी राइडर्स। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इन्हें सैल्यूट करना चाहती हूँ, क्योंकि ट्रैफिक में फंसा हुआ एम्बुलेंस को निकालने के लिए इसने अपनी बाइक को रोकी और ट्रैफिक को हटाकर एम्बुलेंस को आगे किया। इस वीडियो में आपको दिखेगा कि ये बाइक रोक के और कैसे ट्रैफिक हटाया और एम्बुलेंस को आगे कर दिया। आज इसने शायद किसी की जान बचा दी, इसे मैं दिल से सलाम करती। मैं ये भी चाहती हूँ कि राइडर्स राइडिंग करें बट अपनी जान के साथ दूसरों की जान की परवाह भी करें, अच्छा लगता है इससे, ताकि किसी की जान जोखिम में ना आए। ये देखिए इनका नाम है MP07। इनका प्यार देखिए, ये मेरी जान है, ये जैसे लग रहा है इनका ये लव है। कितना क्रेज है इन लोगों में बाइक का, कितनी किनारे से चला रहे हैं और भयंकर तरीके से, ये मेरी जान है, ये मेरी जान है, जैसे इन्हें अमृत मिल गया है, इन्होंने अमृत पी लिया है। इतना भयंकर तरीके से गाड़ी चलाना, बताइए ये कहां ले जाएगा आगे आने वाले लोगों को। कभी एक सेकंड में ये नीचे जा सकते थे, आप देख सकते हैं वीडियो, एकदम ध्यान से देखिएगा। और मेरी जान का ये राग अलाप रहे हैं। अभी तो लगता है कि यमराज के चंगुल से ये निकल कर आए हैं। अभी ये भाई साहब को देखिए, अभी सो के उठे हैं, उसके बाद अभी ये कसरत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और लगता है कि इसी पर सोते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं। मतलब इन्हें डर भी नहीं लगता है गाड़ी चलाने में, गाड़ी नहीं इनका तो लगता है कि ट्रेन ही है। वॉशरूम भी लगता है इस बाइक पर किए हैं, सब कुछ इसी पर कर रहे हैं, खाने पीने का सामान भी उसमें होगा, चलिए हम लोग भी थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। और इसमें तो इनका जिम का पैसा ही बच जा रहा है, जिम ही कर रहे हैं समझ लीजिए। मेरी नज़र एक वीडियो पर पड़ी है जो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहे हैं। ये भाई साहब अपने दोस्त के साथ गाड़ी चला रहे हैं, पिछला चक्का पर गाड़ी भी उड़ा रहे हैं और अपने दोस्त को भी उड़ा रहे हैं। शायद अंदर का कलपुर्जा पूरा हिल गया होगा इनका। अगर आपके ऐसे दोस्त होंगे तो दुश्मनों की आपके लिए जरूरत ही नहीं है। आपके शेयर लिस्ट में 3rd नंबर पे जो है वो भी आपको ऐसे ही गाड़ी पर बैठा के चलाएंगे। अब देखिए इन राइडर्स को देखिए, लड़की को ठोकर मार दिए, अब इतना जोर से उसे उड़ा दिए हैं, इतनी दूर जाके फेंकाई है कि अब इसका हाथ टूटा, पैर टूटा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेंगे? क्या आपके बाबू भैया लेंगे? ये जा रही है बेचारी अपना आराम से स्कूल कॉलेज जा रही है। बताइए इतनी स्पीड में आप लोग चलाते हैं और बोलते हैं कि हमारी जान है, हमारी जिंदगी है, हमारी इमोशंस है राइडिंग, और बताइए आप लोग ब्रेक नहीं मार सकते हैं, तो फिर कैसा राइडर्स है आप लोग? अगर आप अच्छे से ब्रेक मार देते तो शायद वो लड़ सही सलामत रहती, कितनी दूर फेंकाई है देखिए जाकर। अभी इस वीडियो को देखिए आप, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ ले लेते हैं और पीछे लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए लड़कियों को बैठा लेते हैं, और ऊपर से फिर बोलेंगे कि लड़कियाँ हमारे इमोशंस के साथ खेलती हैं, हमें धोखा देती हैं। आप इतनी महंगी गाड़ियाँ लेकर लड़कियों इम्प्रेस करते हैं और राइडिंग कर रहे हो, लड़की को बैठा कर अगर गिर जाएगी चाहे जो भी हो जाएगा उसके बाद इसका हाथ पैर टूट जाएगा, खुद तो गिरोगे इसे भी लेके जाओगे। बाप रे बाप, आजकल की लड़कियाँ भी कम नहीं है, इन पापा की परियों को डर नहीं लगता है? कितनी भयंकर तरीके से बैठी, क्या लड़कों से कम है ये? एक मिनट रुक कर इस वीडियो को आप जरूर देखिए, पिछला चक्का उठाकर ऐसे राइडिंग कर रहे हैं और डन कर रहे हैं, जरा सी मिस्टेक अगर हो जाती है तो ना चलाने वाला रहेगा और ना डन करने वाला रहेगा, वो डन कर रहा है, दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी और राइडिंग भी चली जाएगी और सारे हीरोगिरी चली जाएगी। अभी पता नहीं कौन बाइक आया है, इसमें से आग निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, सब कुछ निकल रहा है। आप लोगों को सिगरेट पीने के लिए लाइटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और कितना क्रेज है बाइकर्स को कि बाइक खड़े होकर सब लोग देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ऐसे रील्स में डाल भी रहे हैं, और गन भी चल रही है। एक तो आप लोगों की बाइक इतनी आवाज करती है कि लोग इरिटेट हो जाते हैं, ऊपर से अभी ढम 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 हो रही है। अब पता नहीं इसमें 15-20 हज़ार रुपया खर्चा कर दिए धुआं निकालने के लिए, उससे अच्छा तो 10-20 रुपया का लाइटर मिलता है, 50-60 रुपया मिल जाएगा, लाइटर ही आप लोग लगा लेते हैं। क्या फालतू काम आप लोग करते हैं।
एक बार इस वीडियो को आप जरूर देख कर जाइएगा। इस वीडियो को देखने से लग रहा है कि वो बाइकर्स इस बच्चे को धक्का मार कर गया है। वो बाइकर्स अगर टच करके नहीं जाता तो शायद ये ट्रक के नीचे आ जाती और फिर इस दुनिया में नहीं रहती। हर वक्त बाइकर्स या ड्राइवर गलत नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग तुरंत गाली देना शुरू कर देते हैं ड्राइवर को। मुझे लगता है कि ये बच्ची के लिए वो लड़का, वो बाइकर शायद भगवान का रूप लेकर आया है। इतनी छोटी बच्ची को छोड़ना उसके पेरेंट्स के लिए कितनी शर्मनाक बात है। खुद चल रहे इतने लोग हैं और छोटी सी बच्ची को छोड़ के चले गए हैं। और देखिए अभी जब बच्ची ट्रक के नीचे आती दौड़ के आ रहे हैं, हाथ पकड़ के भी पेरेंट्स चल सकते थे। बाइकर्स के टैलेंट को हम सलाम करते हैं तहे दिल से कि ये बाइकर्स थे जो इसे बचा गए। एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, जूम करके देखिएगा प्लीज। वाओ, इस लड़की को देखिए, ये लेडी राइडर्स है। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि लड़कियां भी चलाती हैं। आज की डेट में लड़कियां तलवार भांजने से लेकर आसमान पर जा रही हैं, राइडर्स भी बन रही हैं, लेडी राइडर्स। लेकिन मैं इसका सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, वीडियो भरे दिखा रही हूँ। आप लोगों ने कहा था इसलिए मैं वीडियो लाई हूँ पापा की परी पर। लेकिन देखिए बनाने का तरीका, डांस कर ये वीडियो बना रही हैं, टंकी पर बैठ रही हैं, देखने से कितना भद्दा लग रहा है। पता नहीं ये करतब दिखा रही हैं कि राइडिंग कर रही हैं कि इसमें डांस कर रही हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। ये कर क्या रही हैं, क्या गाड़ी चलाने का ये है? ऐसे मुझे बहुत अच्छा, मुझे भी राइडिंग करने की इच्छा हो रही है। लग रहा है कि राइडर सब छोटे छोटे बच्चे से लेके बूढ़े सब दुनिया में राइडर्स ही हो जाएंगे। अब तो लग रहा है बाबू तुम लोग जितना मिसबिहेव कर रहे हो ना, सोच लो अब मैं लड़कियों को तैयार कर रही हूँ राइडर्स के लिए, लड़कियां भी राइडर तुम लोगों को पीछे कर जाएंगी। ये देखिए नया शाहरुख खान पैदा लिए लगता है, बाइक चला रहे हैं और एक दो नहीं है, पता नहीं कितने बाइकर से साथ में चल रहे हैं। ये हाथ छोड़ देते हैं, हाथ छोड़कर बाइक चला रहे हैं। अब इसे क्या बोलिएगा, ऐसे तो टैलेंट है, अच्छा लगता है देखकर, बहुत अच्छा। इन लोगों का टैलेंट देखकर मुझे ही बहुत अच्छा लगता है कि क्या टैलेंट है, कैसे लोग गाड़ी चलाते बिलीव नहीं होता है। लेकिन ये क्या तरीका कि हाथ छोड़ दिए, मुड़ी छोड़ दिए, पैर छोड़ दिए, सब तो छोड़ देते हैं। एक इंडस्ट्री का शाहरुख खान है, एक राइडर शाहरुख खान पैदा हुए हैं। ये देखिए इस पापा की परी को, इसका नाम है हंटर गर्ल। ये पटना के मरीन ड्राइव पर लहरिया कट में बाइक चलाती है। अब बोलो पापा की परी के बारे में क्या कहना चाहते हो? आज तो ये तुम लोगों को मात कर दी है। इसे कहते हैं लहरिया कट स्टाइल, लहरिया कट स्टंट करना। और ये स्टंट भी कर रही है, खड़े होकर हाथ हवा में लहरा भी रही है और उसके साथ अपना पिस्टल भी हवा में लहरा कर जा रही है। प्रशासन की नजर इस पर तब पड़ी जब ये पिस्टल चमका चमका कर बाइक लहरा रही थी। इसका एक साल का लाइसेंस भी जब्त हो गया है, उसके बाद 30,000 का जुर्माना भी गया है। ये पटना की रहने वाली है, पटना मरीन ड्राइव पर ये ड्राइव कर रही थी, आज ये पुलिस की गिरफ्त में है।